सर्वप्रथम मैं रोहित चौबीसा की ओर से आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे परशुराम जी के विषय के बारे में। सबसे पहले परशुराम जी को विष्णु भगवान का अवतार माना गया। इनका जन्म जमदग्नि ऋषि के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ में इंद्र द्वारा दिए गए वरदान से पत्नी रेणुका के गर्भ से इनका जन्म हुआ और इनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि न क्षयः इति अक्षयः, यानी अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति पुण्य दान वगैरह करता है उसके घर में धन का क्षय नहीं होता है। और इनका नामकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भृगु ऋषि ने इनका नामकरण संस्कार की दृष्टि से इनका नाम राम बनाया और भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त परशु के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। और कहते हैं हमारी शास्त्रों की दृष्टि से सात लोग चिरंजीवी हैं, जैसे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सत्येते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलिराजा, हनुमान जी, अश्वत्थामा वेदव्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, ये सातों देवता चिरंजीवी माने गए। और यह हमारा विचार आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, अस्तु ओम नम्यते प्रणम्यते च।